हेलो स्टूडेंट, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, सफलता के लिए अभ्यर्थी प्रतिभागी को यह जानना आना चाहिए। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कुष्मांडा IAS HCS एकेडमी को और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आपको हमारी सभी अपडेट्स मिलती रहें। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से कुष्मांडा एकेडमी में। और आज मैं आपसे बात करूंगा एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। जैसा कि आपको पता है, जम्मू कश्मीर आजकल बहुत ज्यादा न्यूज में है, तो हर एग्जाम में सवाल आ सकता है जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए। तो आपका IAS SCS या अगर हम बात करें अदर्स एग्जाम, जहाँ पर भी आपका जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। आपके कश्मीर की अंतिम हिंदू रानी, रानी कोटा, भारत की सबसे सक्षम महिला शासक। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कौन है, क्यों न्यूज में है आजकल। तो कश्मीर की अंतिम हिंदू रानी महारानी कोटा सबसे भारत की सबसे सक्षम महिला शासक। तो कोटरानी वॉज द डॉटर ऑफ रामचंद्र। तो पूछा जा सकता है कि इनके फादर का नाम क्या था, रामचंद्र नाम था। और द कमांडर इन चीफ ऑफ सुहादेव, सुहादेव कश्मीर में एक शासक थे, उसके कमांडर इन चीफ थे उनके पापा। और द किंग ऑफ लोहारा डायनेस्टी, तो जो सुहादेव हैं वो लोहारा डायनेस्टी के शासक थे। तो तीन बातें मैंने बताई, साथ साथ समझते चलना। तो कोटा रानी के फादर का नाम क्या है, रामचंद्र, और रामचंद्र उस समय लोहार डायनेस्टी के सुहादेव के कमांडर इन चीफ थे। ठीक है, थोड़ा सा मैं लोहारा डायनेस्टी के बारे में बता देता हूँ। द लोहारा डायनेस्टी वर हिंदू रूलर्स ऑफ कश्मीर फ्रॉम खासा ट्राइब। ये खासा ट्राइब से हैं। आपने लोहारा डायनेस्टी हिस्ट्री में पढ़ी होगी, ऐसा नहीं हो सकता कि आपने ना पढ़ा हो। अगर आप जनरल अवेयरनेस पढ़ते हो तो बिटवीन 1003 एंड अप्रोक्सीमेटली 1320, तो ये आपका 1003 से 1320 ईस्वी के बीच में लोहारा डायनेस्टी का राज था कश्मीर के अंदर। द हिस्ट्री ऑफ डायनेस्टी वॉज डिस्क्राइब्ड इन राज तरंगिनी। राज तरंगिनी का नाम आपने सुना होगा, कई हिस्सों में लिखी गई है, कलर ने लिखी, जॉन राज ने लिखी। और इस पर भी बड़े सवाल आते हैं कि राज तरंगिनी किसने लिखी। हिंदुस्तान का शायद ही कोई एग्जाम ऐसा होगा जिसमें राज तरंगिनी पर सवाल ना पूछा गया हो। तो इतनी बात आपने समझ ली, कोटा रानी, रामचंद्र, सुहादेव और लोहारा डायनेस्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामचंद्र जो कि कोटा रानी के पापा थे, हैड अपॉइंटेड ए लद्दाखी रिंचन, एक रिंचन नाम के व्यक्ति को उन्होंने अपॉइंट किया। और जो रिंचन नाम का व्यक्ति था बिकेम एम्बिशियस, रामचंद्र वॉज किल्ड एंड हिज फैमिली वॉज टेकन प्रिजनर। तो उस रिंचन ने रामचंद्र की हत्या कर दी, ठीक है, और उनकी फैमिली को जो है अपने यहाँ बंदी बना लिया। टू अर्न लोकल सपोर्ट रिंचन अपॉइंटेड रावण चंद्र, ठीक है। तो जो रावण चंद्र है ये रामचंद्र के बेटे का नाम है, तो लोकल सपोर्ट पाने के लिए जनरली ऐसा होता ना, तो उसे भी जो है अपॉइंट कर दिया एज एडमिनिस्ट्रेटर लार एंड लद्दाख, लद्दाख और लार का जो है शासक बना दिया था रावण चंद्र को, जो कि कोटा रानी के भाई थे। और ही मैरिड हिज सिस्टर, उसकी सिस्टर यानी कोटा रानी, एंड बिकेम द रूलर ऑफ कश्मीर, कश्मीर का शासक बन जाता है कौन, रिंचन, ठीक है, रिंचन बन जाता है, कोटा रानी से शादी कर लेता है और रामचंद्र को मार देता है। रिंचन कन्वर्टेड टू इस्लाम, अगली घटना जो घटती है, जो रिंचन है वो मुसलमान बन जाते हैं एंड अडॉप्टेड द नेम ऑफ सुल्तान सदरुद्दीन। सदरुद्दीन के नाम से जो है सुल्तान बनते हैं कश्मीर में। और ही वॉज फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर। तो एक सवाल आपसे ये पूछा जाएगा कि कश्मीर के पहले मुसलमान शासक का नाम क्या था, तो वो आपका सुल्तान सदरुद्दीन था, जिसका असली नाम रिंचन था और कन्वर्टेड मुसलमान था। ही डाइड एज रिजल्ट ऑफ एन असैसिनेशन आफ्टर रूलिंग फॉर 3 years। तो 3 साल तक ही वो शासन कर पाया, उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। और कोटा रानी वॉज फर्स्ट अपॉइंटेड एज ए रिजेंट फॉर हर यंग सन। तो उसका कोटा रानी ने अपने बेटे को की जो है रिजेंट बनकर कुछ दिन शासन किया। लेटर शी वॉज परसुएटेड टू मैरी उदयन देव, उदयन देव से शादी होती है उनकी सेकंड मैरिज, और वो सुहादेव के जो है भाई थे। सुहादेव मैं बता चुका हूँ कश्मीर में हिंदू राजा थे लोहार डायनेस्टी के, अभी हमने बात की थी पीछे, उनके भाई से शादी होती है क्योंकि उन्हें परसुएटेड किया गया बाय एल्डर्स, ठीक है। तो उदयन देव डाइड 1338, उदयन देव की भी जो है मृत्यु हो जाती है 1338 में। और कोटा रानी बिकेम द रूलर इन हर ऑन राइट। तो अब कोटा रानी जो है शासक बन जाती है कश्मीर की, एंड अपॉइंटेड भट्ट भट्ट भिक्षण को
वो अपना प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करती है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर तो पूछा जा सकता है, कोटा रानी के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या था, कोटा रानी के फर्स्ट हस्बैंड का नाम क्या था, सेकंड का क्या था, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आपके एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि आपको पता है हम हमेशा मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स पर ही बात करते हैं। तो शी वॉज अ ग्रेट थिंकर और शी कंस्ट्रक्टेड ए कैनाल कूट कॉल पर सवाल पूछा जा सकता है, किसने बनवाया, एंड सेव्ड द सिटी ऑफ श्रीनगर फ्रॉम फ्रीक्वेंट फ्लड्स फ्रॉम झेलम रिवर, तो एक सवाल आपका यहाँ से भी बनता है। तो शाह मीर किल्ड भट्ट भिक्षण, एक और जो है हमें व्यक्ति नजर आते हैं शाह मीर, तो शाह मीर ने उनके प्रधानमंत्री भट्ट भिक्षण को मार दिया और कोटा रानी कमिटेड सुसाइड। हाँ, हुआ क्या था, शाह मीर ने जो है शादी के लिए ऑफर दिया था कोटा रानी को, जो उन्होंने इनकार कर दिया और इनकार करने के बाद उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो कोटा रानी कमिटेड सुसाइड एंड ऑफर्ड हर इंटेस्टाइन्स टू शाह मीर एज ए वेडिंग गिफ्ट। ठीक है, तो अपनी खुद से जान ले ली कोटा रानी ने। तो ये कुछ क्वेश्चंस जो हमारे इस टॉपिक पर बन सकते थे हमारे बहुत सारे एग्जाम्स के लिए, हम कोई भी एग्जाम जो इंडिया में होने वाला है और उसमें हम जनरल अवेयरनेस अगर हम पढ़ रहे हैं तो आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है ये बात, तो आपके एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है। ऐसा आप अच्छे से तैयार कर लीजिए और आप हमारी टेस्ट सीरीज और हमारे स्टडी मटेरियल और उसके अलावा कोचिंग, तो जो भी आप करना चाहते हो हर एग्ज़ाम के लिए हम स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। इंडिया का शायद ही कोई ऐसा एग्ज़ाम है जिसका स्टडी मटेरियल कुशवाहा एकेडमी प्रोवाइड ना करती हो। ठीक है, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर्स पर हमें कॉल कर सकते हो, हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। थैंक यू। हमारी टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल या स्पेशल क्लासरूम कोर्स के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट kushmanda.com पर या हमारे हेल्पलाइन नंबरों पर भी कॉल करके आप सारी डिटेल पता कर सकते हैं। सो वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो।